बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम बदर इकबाल फ्रॉम फिज़िक्स डिपार्टमेंट। वी आर डिस्कसिंग द यूनिट नंबर 11 अबाउट साउंड। आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को स्टडी करेंगे। तो साउंड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि साउंड जो है, जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो है मिल के उसको बना रही होती हैं, तो वो चीज़ें उसके करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर वन, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड क्या चीज़ है? लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ दैट करेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फेंट एंड अ लाउड साउंड। फेंट कहते हैं मध्यम आवाज़ को, यानी एक लाउड और एक मध्यम आवाज़ के दरमियान में साउंड का जो करेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश प्रोड्यूस करता है या करवाता है, उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं तो वो आहिस्ता लो वॉइस के अंदर भी बात कर सकते हैं, और जब एक पर्सन जो है या एक बंदा किसी पब्लिक को एड्रेस कर रहा होता है तो वो बड़े लाउड अंदाज के अंदर बोलता है, उसको लाउड बोलना पड़ता है। तो अब ये हमारे पास ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, ये फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। उनमें से नंबर वन क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी, जाहिर सी बात है साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। अब जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसके वाइब्रेट करने का एक एम्पलीट्यूड भी होता है। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस साउंड की लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ही कम होगा तो ऐसी साउंड की लाउडनेस भी क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी सितार या गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आप प्लक आउट करते हैं, खींचते हैं, तो अगर आप उसको आहिस्ता से खींचेंगे तो क्या होगा? एक फेंट या मध्यम आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा फोर्सफुली, ज़्यादा वायलेंटली प्लक आउट करते हैं तो क्या होगा? एक लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर क्या हुआ कि जब आपने फर्स्ट उसको नॉर्मल अंदाज से खींचा स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार को, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है स्ट्रिंग की वो कम थी, स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ वो वाइब्रेट हुआ, लिहाजा लो साउंड प्रोड्यूस हुई। लेकिन जब आपने दूसरी दफ़ा उसको वायलेंटली प्लक आउट किया, किसको? स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार को, तो उसकी स्ट्रिंग्स की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो गई। तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई। इसी तरह से अगर आप एक सरफेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाइट बोर्ड की सरफेस है या कोई किसी ड्रम की सरफेस है, तो आप उसको अगर आहिस्ता स्ट्राइक करेंगे तो आपको नॉर्मल सी साउंड सुनाई देगी, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा ज़ोर से उसको स्ट्राइक करेंगे तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का। तो लो साउंड पे क्या हुआ था? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो था वो कम था ऑफ दिस सरफेस, और लाउड साउंड पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा तो लाउडनेस ऑफ द साउंड भी ज़्यादा, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कम तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी कम। तो इस तरह से हम एक बात कंक्लूड कर लेते हैं कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। यहाँ पे बेटे एक साइड पे हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आता है लाउडनेस ही एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, उस फैक्टर का नाम है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि अगर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर कम होगा तो लाउडनेस भी कम प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल ये ले लें कि आपके पास एक टू ड्रम्स हैं, और एक ड्रम का एरिया जो है वो स्मॉल है और दूसरे ड्रम का एरिया जो है वो लार्ज है। अगर आप एक ही फोर्स के साथ दोनों ड्रम्स की सरफेसेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा? स्मॉल ड्रम एरिया जो है यहाँ से आपको लो साउंड या लो वॉइस जो है प्रोड्यूस होगी, फेंट साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो लार्ज ड्रम एरिया है अगर वहाँ पे उतनी ही फोर्स के साथ आप दोबारा स्ट्राइक करें तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी।
इसी तरह से हमारे पास जो एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप किसी स्मॉल एरिया या रबर पैड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उससे उतनी लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं होती जितनी कि अगर उसी ट्यूनिंग फोर्क, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप किसी लार्ज सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। तो हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अगर ज़्यादा है तो लाउडनेस ऑफ द साउंड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी कम होगी तो लाउडनेस ऑफ द साउंड भी कम होगी। तो इस तरह से इसका रिलेशन, यानी कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी का रिलेशन जो है लाउडनेस के साथ, ये भी वही हो गया जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी का था। वो क्या कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ज़्यादा, वाइब्रेशन वाइब्रेशन ज़्यादा, और क्या कहते हैं उसको, सॉरी, एरिया ज़्यादा तो लाउडनेस ज़्यादा, एरिया कम तो लाउडनेस भी कम। एक थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड करती है और वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लेट्स से कि ये आपके पास एक सोर्स ऑफ साउंड है, इस सोर्स ऑफ साउंड से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं और साउंड वेव्स डेफिनेटली इन एवरी डायरेक्शन प्रोपोगेट हो रही हैं। ये साउंड वेव्स बेटा इधर भी जा रही हैं, इधर भी आ रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी आ रही हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक अब लिसनर है जो इतने डिस्टेंस पे है सोर्स ऑफ साउंड से, इतने डिस्टेंस पे है, और एक लिसनर है जो कि सोर्स ऑफ साउंड से ओनली थोड़े से डिस्टेंस पे है। तो अब हमने क्या करना है, अब देखना ये है कि जो पर्सन या जो लिसनर सोर्स ऑफ साउंड से ज़्यादा डिस्टेंस पे है उसको ये वाली साउंड ज़्यादा लाउड सुनाई दे रही है, या जो लेस कम डिस्टेंस पे है, जो करीब खड़ा है सोर्स ऑफ साउंड के, उसको साउंड जो है वो लाउड सुनाई दे रही है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो पर्सन जो है सोर्स ऑफ साउंड के करीब है, उसके नज़दीक है, जिसका डिस्टेंस सोर्स ऑफ साउंड से कम है, उसको साउंड क्या होगी, लाउड सुनाई देगी। और जो पर्सन सोर्स ऑफ साउंड से दूर है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उसको साउंड वो फेंट सुनाई देगी। यानी कि सेम साउंड है, साउंड वही है, लेकिन एक पर्सन को क्या वो लाउड सुनाई दे रही है, दूसरे पर्सन को वो क्या कर रही है, फेंट सुनाई दे रही है। क्या फ़र्क क्या है, डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस अगर ज़्यादा तो लाउडनेस कम, डिस्टेंस कम तो लाउडनेस ज़्यादा। इट मीन्स दैट कि अगर जो लाउडनेस ऑफ साउंड है ये डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हम डिस्टेंस को डी से मेंशन करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर। अच्छा जी, ये तो तीन फैक्टर्स हो गए इसके लाउडनेस ऑफ साउंड के। लाउडनेस ऑफ साउंड और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर। अच्छा बेटे, आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ईयर ज़रा सेंसिटिव होते हैं, यानी उनको कोई आहिस्ता बात भी करें ना तो उनको पता चल जाती है कि ये बात क्या हो रही है। और कुछ लोगों के जो ईयर्स हैं, या जैसे एज वाइज जो ज़्यादा होते हैं, उनके ईयर्स थोड़े से डिफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सेंसिटिव लोग हो गए, यानी कि जिनके सेंसिटिव ईयर्स हैं, उनको एक आवाज़ जो है वो लाउड सुनाई देगी। इसी तरह से अगर किसी बंदे के जो ईयर्स हैं उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वही आवाज़ जो एक सेंसिटिव पर्सन को लाउड सुनाई दे रही थी, सेम वही साउंड जो है वो एक डिफेक्टिव ईयर्स वाले पर्सन को फेंट सुनाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर पे भी लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड करती है, इन एम्पलीट्यूड, एरिया, डिस्टेंस के अलावा फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स पे भी ये चीज़ क्या करती है, डिपेंड करती है। अच्छा बेटे, ये लाउडनेस ऑफ साउंड तो एक फैक्ट, एक करेक्टरिस्टिक्स है साउंड का। आगे इसके ये फर्दर सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रही है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर जो सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स है उसको लेते हैं, और सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड जो है वो क्या होगा, वो है जी पिच, पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड क्या चीज़ है, पिच ऑफ साउंड इज दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल
एंड अ ग्रेव साउंड। जी बेटे, एक श्रिल साउंड और एक ग्रेव साउंड के दरमियान में साउंड का जो करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंस प्रोड्यूस करवाता है या डिस्टिंग्विश करवाता है उसको आप कहते हैं पिच ऑफ द साउंड। अच्छा बेटे, श्रिल साउंड कौन सी होती है? बारीक आवाज़। और ग्रेव साउंड कौन सी होती है? भारी आवाज़। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो लेडीज़ और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे छोटे जो होते हैं, उनकी आवाज़ें ज़रा बारीक होती हैं और जो मेल हज़रात होते हैं उनकी आवाज़ें ज़रा ग्रेव यानी कि भारी होती हैं। उसकी वजह क्या है? पिच का डिफरेंस है। पिच किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी पिच भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी क्या होगी? कम होगी। तो पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आपके ख्याल में अगर पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो साउंड को क्या होना चाहिए, श्रिल या ग्रेव? आपके ख्याल में आप सोच रहे होंगे कि शायद साउंड जो है वो फिर ग्रेव होगी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पिच आपकी साउंड की पिच जो है अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि पिच और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके साथ जो आपकी साउंड होगी वो श्रिल होगी। जी, पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और आपकी जो साउंड है वो श्रिल होगी। ये आ रहा है इधर, ये वाला पोर्शन। अच्छा, इसी तरह से जी अगर आपकी साउंड की पिच जो है वो लो होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी उस साउंड की क्या होगी? कम होगी। और आपकी जो साउंड है ऐसी आवाज़ जो है वो ग्रेव होगी, भारी आवाज़ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि लेडीज़ और जो चिल्ड्रन हैं छोटे बच्चे उनकी आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी जो आवाज़ है वो बारीक यानी कि श्रिल होती है। और जो मेल पर्सन हैं उनकी आवाज़ की जो बेटा पिच है वो कम, फ्रीक्वेंसी भी कम, लिहाजा उनकी आवाज़ जो है वो क्या होती है? ग्रेव यानी कि ज़रा भारी आवाज़ होती है। पिच हो गया जी। अब हम आते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, विच इज़ द थर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब बेटे थर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ है? क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ दैट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। यानी दो डिफरेंट साउंड्स, उनकी लाउडनेस भी सेम होगी, उनकी पिच भी सेम होगी, तो फिर हम उन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क महसूस करेंगे वो करैक्टरिस्टिक साउंड का क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी रूम के अंदर अगर पियानो और फ्लूट की आवाज़ आ रही हो और आप रूम के अंदर ना हो, आप बाहर खड़े हों, तो आप बाहर खड़े होकर ये पहचान जाएंगे कि फ्लूट की आवाज़ कौन सी है और पियानो की आवाज़ कौन सी है। क्यों? क्योंकि पियानो की जो साउंड है उसकी क्वालिटी डिफरेंट है और फ्लूट की जो साउंड है उसकी क्वालिटी क्या है? वो डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप और आपका भाई जो है वो कहीं बाहर अपना दरवाज़ा नॉक करें और आपके फादर अंदर से आपकी आवाज़ को सुन के पहचान जाएंगे कि ये आपकी आवाज़ है या ये आपके भाई की आवाज़ है, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपके भाई की आवाज़ की जो क्वालिटी है वो दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। हो सकता है कि लाउडनेस और पिच दोनों की सेम हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ साउंड है वो दोनों की क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसी तरह से जितने भी साउंड्स हैं उन सब की क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर ट्यूनिंग फोर्क की एग्ज़ाम्पल ली जाए तो ट्यूनिंग फोर्क की जो साउंड है उसकी क्वालिटी या उसको क्वालिटी को चेक करने के लिए उसकी वेव फॉर्म बनाएंगे। तो बेटा ये ट्यूनिंग फोर्क की साउंड की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है जी। तो ये जो साउंड की वेव फॉर्म है किसकी है? ट्यूनिंग फोर्क। इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड साउंड है फ्लूट, फ्लूट की साउंड। तो बेटे फ्लूट जो है उसकी
साउंड की जो वेव फॉर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से। तो ये ट्यूनिंग फोर की वेव फॉर्म, ट्यूनिंग फोर की जो साउंड है उसकी वेव फॉर्म से ये वाली फ्लूट की जो साउंड की वेव फॉर्म है वो डिफरेंट है, लिहाजा इसकी क्वालिटी इससे डिफरेंट है और आप पहचान जाएंगे कि फ्लूट की जो साउंड है वो ट्यूनिंग फोर के साउंड से डिफरेंट है। अगर हम यहाँ पे एक थर्ड वॉइस लें और वो है क्लैरिनेट यानी बांसुरी की आवाज़, तो उसकी वेव फॉर्म इन तीनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो बेटा ये क्लैरिनेट की साउंड की वेव फॉर्म है, तो वेव फॉर्म के चेंज हो जाने से क्वालिटी ऑफ साउंड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या चीज़ है, क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ दैट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, कौन सी टू साउंड्स, हैविंग सेम लाउडनेस, हैविंग सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, सेम पिच और सेम लाउडनेस वाली दो डिफरेंट जो साउंड्स होंगी बेटा उनको पहचानने के लिए जो साउंड का करेक्टरिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं उसको आप क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। और क्वालिटी ऑफ साउंड कैसे डिफरेंट होती है, वेव फॉर्म डिफरेंट होती है, हर साउंड की वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ साउंड भी डिफरेंट होती है। अच्छा बेटे हमारे पास एक फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स भी है साउंड का और वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंशाल्लाह ताला उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।